हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे चावल के आटे के पापड़। तो वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आपको पापड़ दिखा रही हूँ। बहुत ही पतला पापड़ बनकर तैयार होता है। ये पापड़ जो है, एक कप चावल के आटे से लगभग 100 से भी ज़्यादा पापड़ बनकर तैयार होता है। तो ये पापड़ बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। तो चलिए देखते हैं इस पापड़ को कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चावल के आटे के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर एक बर्तन को रख दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है, यानी कि एक बोल ले ली है। आप बोल की जगह कप भी ले सकते हैं। तो अभी इस बोल से नाप के 6 पानी डाल देंगे। आप कप ले तो 6 डालिए। मैंने यहाँ पे कटोरी ली है तो कटोरी से मैंने यहाँ पे 6 पानी डाल दी है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 6 पानी डाल दी है और वही कटोरी से मैंने यहाँ पे 1 चावल का आटा ले ली है, वो डाल देंगे। गैस अभी बंद है, गैस को मैंने अभी ऑन नहीं किया है और इसको अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद गैस को ऑन कर देंगे। तो देख सकते हैं मैंने गैस को ऑन कर दी है अभी। और उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से इसको 10 मिनट के लिए चलाएंगे। इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको ऐसे ही चलाते रखना है, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगभग 10 मिनट के लिए इसको इस तरह से चलाते हुए पका ली है। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो चावल का आटा है वो ज़्यादा थिक हो गया है, तो इसीलिए मैंने फिर से यहाँ पे 2 पानी डाल दी है। तो पानी मैंने यहाँ पे लगभग 8 डाला है, आप ध्यान से देखना। तो आप कप से डालें तो 8 डालिए और मैंने यहाँ पे कटोरी से नापा है तो 8 मैंने यहाँ पे डाल दी है पानी। तो इसको इस तरह से चलाते हुए और 2 कुक कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे लगभग 2 अच्छी तरह से कुक कर ली है और अभी हमारा जो चावल का आटा है वो काफ़ी थिक हो चुका है। पहले थोड़ा पतला था, अभी देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुका है। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है और बाकी की चीज़ जो डालना है तो चलिए इसको डाल देते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे हरा धनिया ले ली है 1 वो डाल देंगे। तो मैंने हरा धनिया को डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कलौंची ले ली है, वो डाल देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ले ली है 1 यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, वो डाल देंगे। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। तो चलिए चलते हैं इसका पापड़ बना लेते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है स्टील के। अभी प्लेट पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दी है और ऑयल को डालकर इसको इस तरह से फैला देंगे। ऑयल को आप प्लेट की जगह यहाँ पे, प्लेट के ऊपर आप प्लास्टिक भी रख सकते हैं, यानी कि पॉलीथीन जो होता है वो भी रख सकते हैं और उसके ऊपर जो बैटर है इससे इस तरह से डालकर पापड़ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छी तरह से फैला दी है और उसके बाद चम्मच की मदद से 1 इस तरह से लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से फैला देंगे। तो इस तरह से आपको बना लेना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसका एक शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको चम्मच की मदद से इस तरह से बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह करके सभी को बना ली है। तो चलिए अभी इसको धूप में सुखा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको धूप में रख दिया है सूखने के लिए और अभी इसको 1 के लिए रख देंगे धूप में ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। अगर आप पापड़ को धूप में सुखाना नहीं चाहते हैं तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, आसानी से सूख जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा।
पंखे के नीचे सुखाने में। तो ये जो पापड़ है सूखने के बाद बहुत ही पतला होता है और पतला पापड़ फ्राई करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो दूसरे दिन आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो पापड़ है वो सूख चुका है, बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितना पतला पापड़ बनकर तैयार है हमारा, बहुत ही पतला पापड़ है ये। जो पतला पापड़ होता है इसको फ्राई करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट होता है और मुंह में एकदम घुल जाता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको अभी फ्राई कर लेते हैं, मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो पापड़ को फ्राई करने के लिए गैस के ऊपर मैंने पहले से ही एक कढ़ाई पे ऑयल को डाल के रख दिया है और अभी हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे पापड़ को डाल दी है और इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली पापड़ बनकर तैयार है हमारा। तो ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने यहाँ पे सोडा का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो देखा कितना एकदम कुरकुरा हमारा जो पापड़ है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह करके सभी को बना लेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पापड़ को फ्राई करके रख दिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना कुरकुरा एंड सॉफ्ट हमारा पापड़ बनकर तैयार है। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार पापड़ को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।